सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसमें आज हम बात करने वाले हैं फ्री फायर में आने वाले कुछ इंटरेस्टिंग इवेंट्स एंड अपडेट्स के बारे में। उसमें हम देखेंगे आने वाले नए डिस्काउंट इवेंट के बारे में एंड गाइस इस डिस्काउंट इवेंट हमारे सर्वर में कब तक देखने के लिए मिलेगा, उसके साथ साथ उसमें आपको क्या क्या रिवॉर्ड देखने के लिए मिलेगा, एलीट पास आएगा कि नहीं आएगा डिस्काउंट में उसके बारे में जानेंगे एंड गाइस बात करेंगे डायमंड ऑल बंडल्स के बारे में जो गाइस आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलने वाले हैं। उसी के साथ साथ बात करेंगे हमारे आने वाले इनक्यूबेटर वेपन स्किन्स के बारे में एंड गाइस बात करेंगे और कुछ इवेंट्स के बारे में जो गाइस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना एंड गाइस अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप में से काफ़ी सारे भाई लोग वीडियो तो देखते हो पर वीडियो को लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। सो गाइस ऐसा मत करो यार, दिल से बुरा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है एंड गाइस इस वीडियो का लाइक है मैं 600 का। लास्ट वीडियो में आपने मतलब लगभग कंप्लीट करवा दिया था, आई होप आप इस वीडियो में भी कंप्लीट करवा दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कल हंटर लेजेंडरी कॉस्ट्यूम के बारे में जो गाइस आपको लगभग एक साल पहले हमारे सर्वर में अवेलेबल किया गया था एक स्पेशल लक रॉल में एंड गाइस ये बंडल खुद से इवॉल्व होता है, मतलब लेवल अप करता है। जब भी आप गेम में मतलब किसी एनिमी को किल करोगे तब इस बंडल का मतलब कलर वगैरह मतलब कॉस्ट्यूम थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। सो गाइस ये जो कॉस्ट्यूम था पहले लेजेंडरी कॉस्ट्यूम था फ्री फायर में एंड गाइस ये आपको फिर से अवेलेबल किया जा सकता है एक स्पेशल लक रॉल में। जैसे हमें कोबरा का लेजेंडरी कॉस्ट्यूम देखने के लिए मिला था उसी टाइप का इवेंट में इसको फिर से अवेलेबल किया जा सकता है, जिसके लिए आपको 5 टोकन निकालने पड़ेंगे। जैसे आप 5 टोकन मतलब निकालोगे इस बंडल के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। सो गाइस ये बंडल काफ़ी ओपी बंडल था उस टाइम के लिए एंड गाइस ये आपको फिर से अवेलेबल किया जा सकता है। सो गाइस अगर आप पुराने प्लेयर हो इस बंडल के बारे में आपको पता होगा एंड गाइस अगर आप नए प्लेयर हो सो गाइस ये बंडल भी काफ़ी ओपी लेवल का बंडल है, काफ़ी टाइम पहले इसको अवेलेबल किया गया था। सो गाइस बहुत जल्द इसको फिर से अवेलेबल किया जा सकता है एंड गाइस अगर आप इसको लेना चाहते हो सो गाइस डायमंड इकट्ठा करना स्टार्ट कर देना एंड गाइस ये बताना आप में से कौन कौन भाई लोग पुराने प्लेयर हो एंड गाइस आप में से कौन कौन भाई के पास ये बंडल ऑलरेडी है, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। सो गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉगिन रिवॉर्ड के बारे में। ब्राज़ील के सर्वर में एक नया लॉगिन रिवॉर्ड आ चुका है जैसे आप देख सकते हो, जिसमें आपको देखने के लिए मिल रहे लगभग सारे के सारे कैरेक्टर। जैसे आप देख सकते हो अलोक मिल रहा है, क्रोनो मिल रहा है, साथ साथ इधर आपको ओकांग कैरेक्टर भी देखने के लिए मिल रहा है। सो गाइस ये रिवॉर्ड काफ़ी ओपी लेवल का रिवॉर्ड है जैसे आप देख सकते हो। हाँ पर आपको कुछ लिमिटेड टाइम के लिए कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, पर अच्छी बात है कि जिस भाई के पास नहीं है उस कैरेक्टर को लेके खेल सकते हो एंड गाइस अगर आपको अच्छा लगता है आप बाद में परचेज भी कर सकते हो। सो गाइस इवेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि जो भाई लोगों के पास अच्छे कैरेक्टर नहीं है इधर से वो क्लेम करके मतलब टेस्ट कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि हाँ कैरेक्टर अच्छा है तब इधर से वो लोग परचेज भी कर सकते हैं। सो गाइस ऐसा इवेंट को मतलब गरेना हमारे सर्वर में भी लेके आना चाहिए एंड गाइस अगर इवेंट आ जाता तो गाइस काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। सो गाइस देखते हैं गरेना हमारे सर्वर में क्या करता है एंड गाइस आपको नया कैरेक्टर स्केलर कैसा लगा, मुझे तो पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उससे तो बेटर क्रोनो। ये तो गाइस उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या आप नए कैरेक्टर परचेज किए कि नहीं किए, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। सो गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे आने वाले डायमंड रॉयल बंडल के बारे में, जिसमें आपको इस टाइप का बंडल देखने के लिए मिलने वाला है जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो एंड गाइस बंडल देखने में काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है एंड गाइस इसका जो कॉस्ट्यूम है काफ़ी आपको मतलब नॉर्मल सा देखने के लिए मिलने वाला है। सो गाइस हमारे सर्वर में आपको मेल का वर्जन देखने के लिए मिलेगा जैसे आप देख सकते हो एंड गाइस कुछ सर्वर में ऑलरेडी मतलब फीमेल का बंडल अवेलेबल किया जा चुका है। सो गाइस अगर हम बात करेंगे फीमेल बंडल के बारे में, फीमेल बंडल आपको इस टाइप का देखने के लिए मिलने वाला है। सो गाइस मेल बंडल से तो फीमेल का बंडल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो गाइस जो बंडल आपको अच्छा लगता है उसके लिए आप स्पिन भी कर सकते हो। सो गाइस डायमंड से स्पिन बिल्कुल मत करना अभी, वोचर्स अगर आपके पास है तो गाइस फिलहाल स्पिन मत करना, इस बंडल के लिए आप वेट भी कर सकते हो। एंड गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे आने वाले इनक्यूबेटर गन स्किन के बारे में, जिसमें आपको M4A1 का स्किन देखने के लिए मिलने वाला है। सो गाइस इसके बारे में आपको काफ़ी टाइम पहले अपडेट दे दिया था एंड गाइस बहुत जल्द स्किन आपको हमारे सर्वर में भी अवेलेबल किया जाएगा। सो गाइस अगर हम बात करेंगे इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, सो गाइस फर्स्ट वाले स्किन में आपको देखने के लिए मिल रहा है डबल डैमेज सिंगल रेट ऑफ फायर एंड गाइस सेकंड स्किन में आपको देखने के लिए मिल रहा है डबल डैमेज और सिंगल रेंज प्लस। सो गाइस मतलब पता नहीं यार घरेना इस स्किन को क्यों लेके आ रहा है गाइस, आजकल M4A1 काफ़ी कम प्लेयर ही यूज़ करते हैं। सो गाइस मुझे तो काफ़ी ठीक ठीक लगा जैसे आप देख सकते हो एंड गाइस अगर हम बात करेंगे थर्ड स्किन के बारे में, जिसमें आपको एक्यूरेसी सिंगल प्लस आर्मर पेंट्रेशन डबल प्लस देखने के लिए मिलने वाला है एंड गाइस फोर्थ स्किन में आपको देखने के लिए मिलना है डबल रेंज उसके साथ साथ सिंगल आर्मर पेनेट्रेशन। सो गाइस नेक्स्ट इनक्यूबेटर मुझे तो उतना कुछ खास नहीं लगा, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना।
तो गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे आने वाले नए डिस्काउंट इवेंट के बारे में, जिसमें आपको लगभग 85% तक का डिस्काउंट भी देखने के लिए मिल सकता है। उसके साथ साथ काफी अच्छे काफी ओपी लेवल के आपको रिवॉर्ड भी अवेलेबल किया जा सकता है। सो गाइस जैसे आप देख सकते हो, बेसिकली इवेंट आपको इस टाइप का देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें आपको अपना लक मतलब ट्राई करना है। गाइस आपको लगभग 85% तक का डिस्काउंट भी देखने के लिए मिल सकता है। सो गाइस जैसे आप देख सकते हो, मैंने इधर रोल किया था एंड गाइस मुझे 84% का डिस्काउंट मिला है। एंड गाइस अगर हम बात करेंगे रिवॉर्ड के बारे में, जैसे इधर आप देख सकते हो, इधर आपको डिनो का बंडल मिल रहा है एंड गाइस काफ़ी पुराने ओपी बंडल अवेलेबल किया जा चुका है। उसके साथ इधर आपको इमोट, ग्लूवाल का स्किन, पैन का स्किन एंड गाइस इसी के साथ साथ आपको और काफ़ी सारे रिवॉर्ड अवेलेबल किया जा रहा है। सो गाइस अगर आपके पास डायमंड नहीं, इधर आपको अलग से टोकन मिल जाएंगे एंड गाइस उसको एक्सचेंज करके इधर आप रिवॉर्ड भी ले सकते हो। सो गाइस काफ़ी अच्छा इवेंट है जैसे आप देख सकते हो। एंड गाइस जब इवेंट हमारे सर्वर में आएगा, इसमें आपको ऑब्वियसली चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। सो गाइस मान लो अगर अच्छे रिवॉर्ड आ जाता है तो गाइस काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। सो गाइस फिलहाल लीक्स में बताया जा रहा है इवेंट आपको हमारे सर्वर में 20 के बाद अवेलेबल किया जा सकता है। सो गाइस मान लो अगर इवेंट 20 के बाद आ जाता है हमारे सर्वर में, तो गाइस इसमें आपको एलीट पास भी अवेलेबल किया जा सकता है। सो गाइस देखते हैं गरेना इस बार हमारे सर्वर में क्या करता है। तो गाइस आपको इवेंट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस आई होप इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है इस वीडियो को लाइक कर देना एंड गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस क्या कर रहे हो और सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।